सबसे पहले तो आपके चैनल के थ्रू सभी को नमस्कार मेरे तरफ से, और इसके बाद आप जो पूछना चाहते हैं पूछिए। जैसे आपने पूछे कि क्या खास लेके आए हैं, हालांकि बता दें जो सब कोई चला रहा है वो हम लोग भी वही सारा चीज़ लेके आए, लेकिन बस अंतर इतना है कि चलाने का तरीका अब किसका क्या है। हम लोग भी इस जगह में नए हैं, हम लोग भी 15 से 20 मीटर दूरी से हैं, तो हो सके बहुत सारा चीज़ ऐसा यहाँ पर हम लोग भी अनुभव लेके जाएंगे, क्योंकि हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हम कुछ अलग करके दिखाएंगे या अलग है अभी, तो ये डिपेंड करेगा जब और भी साउंड सिस्टम के साथ आमने सामने होंगे, अगल बगल में होंगे, तभी कुछ बता पाएंगे। अच्छा, आप लोग झारखंड से आए हैं, तो आपने कांवड़ मेला हरिद्वार का देखा होगा, यहाँ पर डीजे के नाम भी सुने होंगे कि हर साल कौन आते हैं, अमर डीजे, कसाना डीजे, मोनू डीजे, रावण डीजे, रोहित डीजे, बहुत सारे डीजे हैं, मैं नाम लेती लेती थक जाऊंगी, तो सोच के आए होंगे ना कि इस डीजे से कॉम्पिटिशन करना ही है, या ये डीजे तगड़ा है या हमें टक्कर दे सकता है। मैडम जी, मैं किसी डीजे वाला को चैलेंज करने या उनके हिसाब से नहीं आया हूँ, मुझे हमारे जो कमेटी मेंबर है, जो भी कमेटी के हैं, उनके थ्रू एक मौका मिला है और हमारा जो बेस्ट है वो शो करने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है, ना कि किसी और डीजे वाला के साथ कॉम्पिटिशन। सिंपल सी बात है, अगर अपना साउंड सिस्टम में उस तरह का कुछ बात होगा तो ज़रूर एक दूसरे के साथ मुकाबला भी होगा, अगर बात नहीं होगा तो वैसे तो बहुत सारे टाटा भी यहाँ पर खड़े हैं, बहुत सारा साउंड सिस्टम भी है, अगर थोड़ा सा भी अगर नाम हो रहा है तो कहीं ना कहीं, एक तो पहला बात जो उत्तराखंड के और मेरठ के जितने भी लोग हैं, जो प्यार हम लोग को मिल रहा है, जो सपोर्ट मिल रहा है, तो उसके हिसाब से ही हम लोग कुछ डिसीजन ले पाएंगे। मैडम जी, बात तो वही हो गया, आपका माइक्रोफोन कहाँ से है? दिल्ली से हो या कहीं से इम्पोर्ट होता है, अगर बोल देंगे कि हम इसको चाइना से लाए हैं, हम पहली बार, तो वो अपने आपको दर्शाने का एक तरीका है। बाकी अगर हम कोई वॉच देखेंगे, किसी के पास आईफोन है, वो बोलेगा कि हम जापान से लाए या कोई टोक्यो से लाए, वो तो अपना दर्शाया। बाकी तो मिल कहाँ रहा है वो डिपेंड है, मिल अगर अपना इंडिया में ले मिल रहा है तो हम बोलेंगे कि हम इंडिया से ही मिल रहे हैं, अगर यहाँ पर बोलेंगे कि टाटा, हम टाटा से मंगा रहे हैं माल और बगल में मिल रहा है यहाँ पर, ये तो होगी ना शौक है कि भाई हम टाटा जमशेदपुर झारखंड से वहाँ से लेके आए हैं, हम स्टील अपना घर बनवा रहे हैं, टाटा से स्टील लेके आए हैं, बात बगल से उठा के ला रहे हैं, तो ये सारा चीज़ सबका अपना अपना, मैं किसी को उस तरह का बात नहीं बोलना चाहता हूँ कि जिससे किसी को खराब लगे या किसी को ये भावना में मतलब आहत हो कि शायद मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, लेकिन रियलिटी यही है, सबके पास ब्रांडेड चीज़ें, ब्रांडेड चीज़ जो भी रहता है थोड़ा सा इम्पोर्ट रहता है, बाहरी देश से हम लोग का इम्पोर्टेड होता है, अब सब किस तरह से किसको दर्शा रहा है वो डिपेंड है, मेन मुद्दा है कौन किसको कैसे चला रहा है। सिंपल से बात, धोनी का बैट अगर हम खरीद लिए तो ये मतलब नहीं कि हम भी प्लेयर बन गए, अब उसको खेलेंगे कैसे उसके ऊपर डिपेंड है। एकदम सही पॉइंट है, बिल्कुल। इस बात में इस बार अगर कोई बैटल के लिए आपको चैलेंज करता है, कोई कॉम्पिटिशन, हम लोग ने हमेशा कोशिश किया है कि एक तो यूट्यूबर को चलिए कि थोड़ा सा वो लोग नए नए हैं, आप लोग भी वो बैटल की हो, बैटल को ही क्यों बीच में ला रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि ऐसा हम बहुत सारे डीजे कवर करके आए हैं ना, उन्होंने बोला है ऐसा कि हम जो आएगा कंपटीशन में उसे, बात तो ये हो गया कि बगल वाला का बात को सुन के अपने ऊपर रिएक्शन बदलाव लाना, क्या मैं उसके हिसाब से जाऊँ? पहले तो मेरा साउंड सिस्टम जो है, मेरा सबसे बड़ा चैलेंज तो अपने आप से कि मैं अपना साउंड सिस्टम को यहाँ से रेडी करके मेरठ तक के लोगों को, सबको, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं आ पाए लेकिन देखने का इच्छा है कि भाई बाहर से कौन आया है, जिसके पास उस तरह का मतलब सुविधा है वो आ जा रहे हैं, लेकिन जो जो नहीं आने सके, मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ से जितना दूर जाएगा मेरठ तक जो भी बुकिंग हुआ है, सब आदमी को, बड़ा छोटा, हर जाति, हर धर्म, सबको देखने को मिले, बस मेरा एक ही कोशिश है, मैं किसी के साथ चैलेंज करने के लिए नहीं हूँ, मैं सबसे बड़ा चैलेंज तो मेरा यहीं पर कट आउट हो जाता है कि मैं 1500 किलोमीटर से 50 लड़का लेके आया हूँ, मेरे लिए तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है, उसके बाद अपना काम, जो काम, जब काम यहाँ पर आए हैं तो सबसे पहले अपना काम बढ़िया रहना चाहिए, तभी कुछ होगा। गाने कौन से बजेंगे इसमें? झारखंड के बजेंगे, यूपी के बजेंगे, उत्तराखंड के बजेंगे, इंडिया के? ये भारत देश के बजेंगे और बाबा के बजेंगे, बाबा सबके लिए, बाबा के लिए कोई उत्तराखंड, झारखंड, इंडिया, पाकिस्तान कुछ भी नहीं, बाबा के लिए सब है, वो धरती के अंबर, ये सारा चीज उन्होंने बनाया है, तो ये भारत और इंडिया मतलब क्या बोलते हैं, झारखंड उनके लिए अलग नहीं का मतलब। दुल्हन का घूंघट सही टाइम पे आ रहा है तो उठ भी रहा है, जिसको देखने का समय वो देख भी रहा है।
फिर चिप जा रहा है, क्या करेंगे ना, फिर पब्लिक भी आ जा रहा है। कहने का मतलब पब्लिक भी आ जा रहा है यहाँ पर, रोड जाम हो जा रहा है। तो हमारे जो कमेटी मेंबर है उनका दुल्हन किसी किसी को दिखाई जाती है ना, दुल्हन तो सभी देख लेते हैं, दिखाई आप लोग जब समय आएगा उसका भी एक मुहूर्त है, एक समय है, उस समय दुल्हन का उठेगा। अच्छा, यूपी गवर्नमेंट का एक रूल आया था कि कावड़ पटरी पे जितने भी रेस्टोरेंट ढाबे या दुकानें होंगी उन सभी पर ओनर के जो नाम होंगे चाहे वो किसी भी धर्म का हो नेम प्लेट लगा होगा उनके नाम से लगा होगा, तो ये रूल मतलब सही है या नहीं है, आप क्या समर्थन करते हैं क्या? पहला क्वेश्चन मैडम, तो हम लोग उस टॉपिक पे है ही नहीं, वो तो सरकार वाला है, हम लोग बाजा वाला है। आप बाजा वाला के पूछिए कि क्या सवाल का जवाब है अभी देखो। मैं बाजा वाला के तरफ से, साउंड सिस्टम वाला के तरफ से मैं एक बात बताना चाहता हूँ। हम लोग शुरू से ही जो बोले ना कि घूंघट क्यों ढका हुआ है, कि ये प्रशासन के हिसाब से चल रहा, अगर हम लोग इसको उठाते हैं तो पब्लिक ऑटोमेटिक आएगा, भीड़ होगा, एम्बुलेंस वगैरह सारा चीज़ जाम हो जा रहा है। तो समय समय जो दुल्हन का घूंघट उठ रहा है तो समय समय थोड़ा थोड़ा टेस्टिंग ले रहे हैं, ताकि जो आ रहे हैं, अभी तो डीजी खराब हो गया, हम लोग इसको रोड पे जब आएंगे 26 तारीख को तो उसी समय पूरा घूंघट भी उठा हुआ रहेगा, जिसको देखना है देख लेगा, और साउंड टेस्टिंग भी होगा और फ्री में भी दुल्हन देखने को मिल जाएंगे। उत्तराखंड शासन का आपको सहयोग मिल रहा है नहीं मिल रहा है? हाँ, अभी तक तो सहयोग मिल रहा है, नहीं तो ये अभी यहाँ पर रहता, अगर सहयोग नहीं मिलता तो ये अभी यहाँ पर नहीं रहता। मेरे ख्याल से कोई भी साउंड सिस्टम रोड पे नहीं रहता, सपोर्ट है बस उनका भी एक चीज़ है, उनके हिसाब से तो हम लोग को चलना ही होगा, प्रशासन के आगे हम लोग नहीं जा सकते, क्योंकि सपोर्ट उन्हीं लोग का रहता है। कोई भी विपद आपत्ति आता है तो प्रशासन ही हम लोग को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए उनका जो भी गाइडलाइंस जो भी नियम है जितना पॉसिबल हम लोग करते हैं, इसीलिए तो ये ढका हुआ है, नहीं तो अभी दम भर चलता टेस्टिंग, अभी रोड जाम हो जाए कुछ भी हो जाए। ठीक है, धन्यवाद। हर सवाल का जवाब